शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शिवम को मैंने सबसे पहले परफॉर्म इसलिए कराया कि शिवम को सुनकर थोड़ी एनर्जी आ जाए, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनके अंदर एनर्जी आ जाए और वो दुगने उत्साह के साथ अपनी कला का प्रदर्शन आपके सामने करें। जिस उम्र में ये स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म कर रही है लोगों के सामने, ये बहुत बड़ी बात है और ये टैलेंट आपके सामने है। आने वाले समय में हो सकता है कि इन्हीं में से कोई लता जी जैसा नाम रोशन करे, कोई सुनिधि चौहान, कोई आशा जी जैसे तैयार है। राग में है, यहाँ पर तमाम सारे शिक्षक शिक्षिकाएं स्टूडेंट्स तमाम सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। तो बेशक ये बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बच्चों में भगवान बसते हैं और इन बच्चों को आपके आशीर्वाद की, आपके प्यार की, आपके दुल बच्चा बहुत स्मार्ट आज के दौर के बच्चा। रात हो गई है और यहाँ पे टाइम हो रहा है, रुको मैं देख के बताता हूँ। टाइम हो गया है 7:32 PM, तो अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है, सभी परफॉर्मर अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने यहाँ पे पीछे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और मैं भी गया था राजा जी को, मतलब महाराजा जी को और महारानी जी को हमने पोर्ट्रेट प्रेजेंट किया, उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो महारानी साहिबा बोली कि मुझसे भी अच्छा है, तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर हम आए बैठे और अभी इन्जॉय कर रहे हैं। ये आवाज जो निकलती है आप सबके ही कृपा से निकलती है, क्योंकि वो ऊपर की आवाज है, आप सबके बदौलत आया है। तुम तो एकदम बिल्कुल दिल में उतर गए। Happy birthday to you.
आप जिए हजारों साल, ये हम सब की है आरजू। हैप्पी बर्थडे। एक बार जोरदार तालियों से अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद आदरणीय महाराज जी का, इसमें आप सबका प्यार, हमारी मैम और सर बेशक इन तालियों की, इस आवाम के लिए, अपने अमेठी के लिए जो किया है वो किसी से छुपा नहीं है। बेशक जब कभी जरूरत हुई, जब कभी किसी ने आवाज दी, एक आवाज पर उठकर खड़े होने वाली शख्सियतें आज हमारे बीच हैं। हम सभी दिल से बहुत सारी दुआएं देते हैं, हमारा पूरा म्यूजिकल बैंड इंक्लूडिंग मी, बहुत सारी दुआएं सर मैम। थैंक यू सो मच। टाइम आ गया था महाराजा साहब और महाराणी साहब का केक कटिंग का, तो वो तो हो रहा है अब, तो हमें क्या दिखाते हैं। मारा जग कराना चाहते हैं, तो जैसी आपकी आज्ञा, आपका आदेश सर। आपको गीत बहुत खूबसूरत है, ना ही मैं गीत के बोल बताने वाला हूँ, ना मैं फिल्म का नाम बताया, सीधे सीधे वो गीत पेश नजर है आपके,
और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि गीत बहुत मेलोडी भरा, बहुत खूबसूरत है। आइए ये गीत आपके लिए पेश कर रहे हैं और आज के इस कि वो भी बैक स्टेज रिपोर्ट करें प्लीज। तो चलिए ये मैम की फरमाइश है आपके लिए पेश हो रही है। वो तीन कैसे हम उधर हो रहा थे बिटवाएं का तो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से आपकी इन जोरदार खामोश तालियों का। उनसे बहुत अच्छा लगा हमको और हमको जो कहना था हमने उनसे कहा कि आप इसको अपने घर में, वो हमसे खुद ही बोली कि इसको मैं अपने घर में लगाऊंगी। तो अब हम यहाँ पे ज्यादा रुकेंगे तो लेट हो जाएगा, तो हम और शिवम भाई अब जा रहे हैं क्योंकि घर यहाँ से दूर है और यहाँ पे भी प्रोग्राम चलने वाला काफी लंबा, तो चलते हैं यार, अब देख सकते हैं तो चलते हैं। और अब हम चल रहे हैं, काफी रात हो गई, 9:30 हो रहे हैं ना टाइम, तो हाँ टाइम 9:30 बज गए हैं रात के, तो चलते हैं। और इसी में हमारे भाई का पता लग रहा है किसी ने हेलमेट ही चुरा लिया। तो यार कोई अच्छी बात नहीं, अगर आप अमेठी से देख रहे हो तो ये आप एक हेलमेट 1500 रुपये का चोरी करके अपनी ज़िंदगी नहीं वो बना सकते उसे, ठीक है? तो चोरी कर लिया आप, अच्छी बात है जो भी किया होगा तो ठीक है, बट चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए ऐसे इवेंट में। कोई आए आप इवेंट में चोरी कर रहे हो, वाह, कोई यहाँ मतलब अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हो, अपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हो, क्या बात है, मज़ा आ गया। तो यही सब खराब लग जाता है यार कभी कभी। तो अपनी बाइक भी दूरी खड़ी करवाया था, नहीं तो हेलमेट ही भी चोरी हुआ था, बाइक भी हो जाती। भैया कुछ नहीं बोलेंगे हम, कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो वैसे इवेंट अच्छा रहा काफ़ी, अभी भी चल रहा है वो, हम तो छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये रहे हमारे साथ भैया और वो एक लोग आ गए हैं, तो अब हम चलते हैं, रात हो गई, काफ़ी भूख भी लगी है हमको। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।